एसएस इंटर कॉलेज मुरादाबाद में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एसएस इंटर कॉलेज प्रांगण में प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में गुलमोहर के वृक्ष की छाया में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पण किया गया। कार्यक्रम में एसएस इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्रधानाचार्य रवि कुमार, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला महामंत्री मुकेश कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर अध्यक्ष प्रवक्ता योगेंद्र कुमार, संजीव कुमार, नित्यानंद त्रिवेदी, नक्षत्रेश कुमार आर्य, सुनीता अग्रवाल, जिला कार्यकारिणी सदस्य सुनीता गुप्ता देवलांकर, रविराज सिंह, पवन कुमार गुप्ता, जसविंदर सिंह वेदी, सुभाष आनंद बिष्ट आदि ने महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया व महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। पुष्पांजलि कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि को प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त है। वे संस्कृत भाषा के आदि कवि और हिंदुओं के आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामायण में भगवान वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में श्रीराम उपाख्यान रामायण लिखी। ऐसा वर्णन है कि एक बार वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेम अलाप में लीन था, तभी उन्होंने देखा कि बहेलिये ने प्रेम मग्न क्रौंच सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही ये श्लोक फूट पड़ा कि हे दुष्ट, तुमने प्रेम से मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है, जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है, उसकी रचना की और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। मेजर नित्यानंद त्रिवेदी ने कहा कि अपने महाकाव्य रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकांड ज्ञानी थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की। अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है, इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे तो आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए वे जमीन पर डंडे की भांति लेट गए थे और उनके मुख से निकला था कि आप तीनों लोकों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है।